महाराष्ट्र में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। कल रात जहां यह खबर थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं सुबह होते ही राजनीति का पासा बीजेपी ने पलट दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार की सुबह देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलाई, वहीं अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। जब यह खबर सामने आई तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप आ गया। अजीत पवार का एनसीपी का दमन छोड़ बीजेपी के साथ जाना बेहद चौंकाने वाला साबित हुआ, क्योंकि कल तक अजीत पवार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने वाले थे। यहां तक कि अजीत पवार तीनों पार्टियों की बैठक में भी शामिल हुए थे, लेकिन रात 12:30 बजे एक चिट्ठी ने महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीनों दलों की बैठक के बाद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर एक चिट्ठी के जरिए रचा गया। रात 12:30 बजे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार राज्यपाल में मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद राज्यपाल ने रात में ही केंद्र से सरकार बनाने की सिफारिश की और राष्ट्रपति शासन हटाने और शपथ लेने का वक्त सुबह 7 बजे का तय हुआ। फिर सुबह होते ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार की सुबह देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलाई, वहीं अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। जब यह खबर सामने आई तो राजनीति में भूचाल मच गया। यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे राजनीतिक उलटफेर में एक बड़े एनसीपी नेता ने बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि अब तक उनकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार के खेमे में विधायकों ने उन्हें विधायक दल का नेता भी चुना। वहीं अजीत पवार का कहना है कि उन्होंने शरद पवार को पहले ही सब कुछ बता दिया था। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायक दल की चिट्ठी का अजीत पवार ने गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने धोखा देते हुए विधायक दल के समर्थन की चिट्ठी को राज्यपाल को सौंपा। उधर महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि पार्टी और परिवार में टूट हो गई है।